अम्बेडकर नगर में नाबालिग दलित के साथ तीन दोस्तों ने गैंगरेप कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश के लिए टीम बनाई गई है। पूरा मामला महरुआ थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है, जहां गांव के लड़के ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर खेतों की तरफ बुलाया, जहां तीनों दोस्तों ने जबरन नाबालिग लड़की के साथ में दुराचार किया। पुलिस के पास ये सूचना प्राप्त हुई एक महिला के माध्यम से कि उसकी नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष है, उसको उसी के गांव के एक मोनू नामक लड़के ने फोन से बाहर बुलाकर उसे खेत में लेकर गया था, और वहां पर वो तथा उसके दो अन्य दोस्त, जिनका नाम दिनेश तथा गोपी है, उनके द्वारा अलग अलग समय पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया तथा बाद में मोनू द्वारा उसको उसके घर के पास यह करके छोड़ दिया गया कि तुम इस बात को किसी से बताना मत और 2 से 4 दिन बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इस सूचना पर पुलिस की टीमों द्वारा तत्काल सक्रिय होकर इसमें मुकदमा संख्या 26/24, धारा 376D, SC/ST तथा पॉक्सो की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मुख्य अभियुक्त मोनू को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा जा रहा है तथा शेष दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 4 पुलिस टीमों का गठन करते हुए गिरफ्तारी हेतु सक्रिय किया गया है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी भी पूर्ण